और फिर उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये सैकड़ों लोग नहीं, उसमें मुझको तो लगता है कि हजारों 500 से ऊपर लोग मरे। पूरे जो रेल हादसा हुआ है उस पर केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग? बिल्कुल मांग है कि पहले तो इसको आप बहुत मुनाफे का मत बनाइए। विपक्षी एकता की ताकत की हुंकार पटना में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरी जानी है, उसको लेकर पप्पू जी की क्या राय है? यहाँ के नीतीश कुमार जी ने एक पहल, बिहार तो हमेशा पहल करती रही है, जेपी से लेकर उसके पहले भी कर्पूरी ठाकुर जी भी सब, आगे भी देवगोरा गुजराल को पीएम बनाने में लालू जी प्रयास करते रहे हैं, बनते रहे। बिहार शुरुआत किया है, देश चेंज करेगा, सभी लोग मिलकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। दर्श न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव जी मौजूद हैं। हम सीधा सवाल करते हैं पप्पू जी से। पप्पू जी, उड़ीसा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सैकड़ों लोग नहीं, उसमें मुझको तो लगता है कि हजारों 500 से ऊपर लोग मरे हैं। चीज़ों को दबाई गई है, दफनाई गई है। जैसे उत्तर प्रदेश में जब बालू के रेत हट रहे हैं तो वहाँ कपड़े लाश मिलते नजर आ रहे हैं। रेल हादसा राजनीति जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन इस कंट्री में मॉरल वैल्यू समाप्त हो गया, नैतिकता, या जो रेल जिस कारणों से रेल जैसी यात्राओं को देश के लिए लाया गया था उसमें कॉमन मैन, मिडिल क्लास, गरीब और आम आदमी के जीवन की जो दिनचर्या थी और उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उनकी जो इकोनॉमी की स्थिति थी, आर्थिक स्रोत है, जो बेरोजगार लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, वंचित हैं, जो किसान हैं, इस टाइप की जो महिलाएं हैं जिसके पास 4,000, 3,000, 2,000, 1,000 रुपये महीने का इनकम नहीं था, 500 रुपये की स्थिति थी, और आज आप लगातार जिस मंत्रिमंडल में मंत्री को लाए हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के IAS कैडर के थे और एक IAS बैच के लोगों को सार्वजनिक मंत्रालय में बैठा रहे, जिसका कंप्लीट जिस मंत्रालय की पूरी समझ, जिस मंत्रालय में केदार पांडे से लेकर लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर देश के जॉर्ज से लेकर लालू, नीतीश, रामविलास जी, जगजीवन, वो मतलब ऐसे लोगों ने इस देश के रेल विभागों का प्रतिनिधित्व किया है, जिनको आम आदमी के जीवन का, उनके दिनचर्या का, उनके पूरे पारिवारिक हालात का, जिनको बहुत नज़दीक से जिन्होंने महसूस किया है, वो लोग उस जगह पर जा कर के बैठे हैं। और सबसे पहली गलती थी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट को बैठा दिया, तो ब्यूरोक्रेट के बैठाने के पीछे इसकी पूरी मंशा उसको निजीकरण करता, कि इनको मैं निजीकरण के हाथ में धीरे 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 रेलवे को मैं डाल दूँ, अदानी को या अन्यों को। तो जब आप निजीकरण करेंगे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी 100 टका आप लेंगे, जाने का भी लेंगे, नहीं जाएंगे तब भी लेंगे। तो आप आज जो रुपया की वैल्यू बढ़ा रही है आपने, जो हालात हैं उस हालात में मुझको लगता है कि रेल को हमेशा से मुनाफे का विभाग नहीं माना जाता था और आगे भी नहीं मानना चाहिए। हम घाटे का विभाग ना करें, लेकिन सरप्लस करके हम देश को, देश के 140 करोड़ जनता के जीवन को हम कुछ फल खुशी तो दे सकते हैं, तो आप निजीकरण की ओर चले गए। दूसरी बात, 9 सालों के अंदर आप रेलवे विभाग को अलग कर दिए, अब रेल विभाग को आपने अलग कर दिया, बजट की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपका फोकस रेल विभाग पर बिल्कुल नहीं रहा, तो ज्वाइंट कर दी, जो ज्वाइंट अलग नहीं, ज्वाइंट बजट में आपने कर दिया। पहले रेल विभाग का बजट अलग हुआ करता था, तो फोकस था, चीज़ें थी, वो आप बजट में उसको ज्वाइंट कर दिया, एक तो ये, दूसरा तो ये, तीसरा चीज़ कटौती आपने सब कुछ में कर लिया। आप सुरक्षा से लेकर और आम आदमी की जो सुरक्षा है वो मुझको लगता है कि उसकी भी और आम आदमी का जो खास तौर पर
सफाई और जिस तरीके के भीड़ हैं, लोग बांध के मजदूरी करने जाते हैं, बाथरूम में सो जाते हैं, तो इस पर कभी फोकस नहीं किया गया, क्योंकि जो भाजपा की सरकार है ना, वो कंप्लीट रूप से विकास पे फोकस करती ही नहीं है। कभी खुद को प्राइम मिनिस्टर कह देगा कि हमको माँ बच के निकल गए भगवान के भरोसे, एसपीजी रहने वाला दुनिया में कोई भी पीएम इस तरह की बात नहीं करता है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब खुद ही जिंदगी की दया की भीख मांगता रहेगा, कभी रोने को लेके, कभी कुछ को लेकर, तो दुनिया में ऐसा कभी हुआ नहीं। अगोदरा से लेकर पुलवामा कोई दूसरा फोकस ही इस व्यक्ति का नहीं है। अब पुलवामा के बाद एक्सीडेंटल पीएम, तो जननायक मोदी, तो फिर कश्मीर फाइल, तो फिर केरला स्टोरी, अब सावरकर, तो 24 घंटा यदि आप मतलब आपका जो इंटरनल चीजें हैं नोटबंदी को लेके, 2000 रुपया को लेकर के कुछ ना कुछ आपका एजेंडा होता है, आंतरिक एजेंडा होता है, गुप्त एजेंडा होता है। आखिरकार पप्पू यादव की इस पूरे जो रेल हादसा हुआ है उस पर केंद्र सरकार से क्या कुछ मांग है? बिल्कुल मांग है, मांग है कि पहले तो इसको आप बहुत मुनाफे का मत बनाइए, इसको निजीकरण मत करिए, सुविधा को बढ़ाइए, आम आदमी की सुरक्षा को बढ़ाइए, महिलाओं के कोच को बढ़ाइए, क्या कहते हैं जो भीड़ है उसके लिए आप नए नए कॉमन ट्रेन को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। ये दुनिया में आज तक हमने कभी देखा नहीं, राजधानी से लेकर के शताब्दी, दुनिया की एक से एक बेहतर ट्रेनें हैं, कांग्रेस से लेकर के अभी तक दिया गया, कभी पीएम ने झंडी नहीं दिखाया। आइए कल भी झंडी दिखाने वाले थे वंदे मातरम, हमेशा झंडी दिखाते रहेंगे। कि मोदी जी कभी अन्य विभागों को तो काम करने दीजिए, सब विभाग में अपना फोटो अपनी चीज़ें, कल आप वहाँ गए तो वहाँ भी आप मोदी मोदी करवा रहे थे बैठा बुला करके। आप वहाँ कम से कम इतनी दर्दनाक सीन है जहाँ 500 से ऊपर मौत हुई है, और वहाँ आप नारा लगवाएंगे, माला पहनेंगे, तो इसका मैसेज किया जाएगा। तो मेरा डिमांड है जो मरे हैं 20-20 लाख रुपया, पूरी जांच, और रेल मंत्रालय से पूरा का पूरा, रेल विभाग के जो मंत्री हैं उसे अविलंब उनको इस्तीफा देना चाहिए, तो इस्तीफा ले लेना चाहिए, नहीं तो इसका संदेश आज तक परंपरा रही है। बहुत सारे लोग माधवराव सिंधिया से लेकर नीतीश कुमार से लेकर, नीतीश कुमार जी ने भी इस्तीफा दे दिया था, माधवराव सिंधिया, बहुत सारे मंत्रालय इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ माधवराव सिंधिया का, लेकिन विभाग चेंज कर दिया गया या विभाग किसी और को दे दिया गया। तो आपके पास क्या मॉरल वैल्यू भी नहीं रही, आप क्या इतना भी दर्द नहीं है, ऐसा कर देंगे घरियालियाँ सुबह आते रहना। तो मैं चाहता हूँ कि ये देश का सबसे दूसरा रेलवे हादसा है, सबसे बड़ा, उतनी त्रासदी है, और उस पर भी राजनीति हम करने लगे हैं, संवेदना व्यक्त करने से ज़्यादा खुद को हम मार्केटिंग करने लगे हैं। अब तो मार्केटिंग कर ही रहे हैं, 21 अरब 46 करोड़ और कुछ लाख से ज़्यादा मार्केटिंग आप जनता के टैक्स से कर रहे हैं, तो इतना तो किसी का बजट नहीं है। मेरा आग्रह है कि ये मार्केटिंग से बेहतर है राम मंदिर जो आप पहले बना रहे हैं, तो बनाइए। राम मंदिर तो बनना चाहिए देश के पैसे से नहीं, वो बनना चाहिए जनता के पैसे से, जिसमें उनकी श्रद्धा भी हो। हम क्या कर रहे हैं, देश के पैसे से बना रहे हैं, जनता के पैसे से बनाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। ये पप्पू जी की डिमांड केंद्र सरकार से है कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो जनता के पैसे से होना चाहिए, जनता उस भावनात्मक लगाव रहेगा, सेंटिमेंट जनता देगी सभी मंदिर। एक और सवाल है, हाल के आपको पहले तो ये समझिए ना, इन सब चीज़ों को आपको कहाँ लगाना चाहिए, एजुकेशन में, रेलवे में, हेल्थ में, इन सब चीज़ों का पैसा आपको कहाँ जाना चाहिए? तो आप 21 अरब जो आप टैक्स अति अपने चेहरा चमकाने के लिए करते हैं, वो 21 अरब रुपया एजुकेशन हेल्थ में लगाइएगा तो दुनिया बदल जाएगी। तो इसीलिए इंक्वायरी के साथ अविलंब पहले मंत्री का इस्तीफा, 20-20 लाख रुपया, और निजीकरण ना करिए और जनता पर बोझ मत पड़िए। सर एक और सवाल है, हाल के दिनों में, अब कुछ ही दिनों के बाद विपक्षी एकता की ताकत की हुंकार पटना में होने, नीतीश कुमार के नेतृत्व में भरी जानी है, उसको लेकर पप्पू जी की क्या राय है? नीतीश कुमार जी ने एक पहल, बिहार तो हमेशा पहल करती रही है, जेपी से लेकर उसके पहले भी कर्पूरी ठाकुर जी भी, सब आगे भी देवगौरा गुजराल को पीएम बनाने में लालू जी प्रयास करते रहे, बनते रहे।
नीतीश कुमार जी ने प्रयास से ही तो दुनिया चलती है, पहली बार बैठक है या अंतिम बैठक तो है नहीं, और कई बैठकों के बाद आपको समझ में आएगा पूरा विपक्ष को एक करना सबसे पहले आवश्यक है। और हम हो सकता है कहीं किसी स्टेट में किसी स्टेट को प्रॉब्लम हो, कांग्रेस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि वो देश भर की कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम उसकी स्थिति है, तो कांग्रेस को वैचारिक राजनीति को लेकर सामाजिक स्तर पर अलग अलग विचारधारा की पार्टी है तो वहाँ दिक्कतें होंगी। लेकिन अभी तो संविधान और भारत के लोकतंत्र बचाने के नफरत का उछालने रोकने की सवाल है, नहीं तो देश की संविधान भी गई, देश का जाति जनगणना से लेकर सब कुछ खत्म होगा। तो मेरा कहना यह है कि ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करके अमेरिका के कल के दिन ले आवे हैं, और वोट डालने की का फिर सौभाग्य इस देश के लोकतंत्र में किसी आम आदमी को ना मिले, और जो एजुकेशन है, जो मुद्दे हैं उस पर कोई बात नहीं होती है, ये राम मंदिर पत्थर ये सब लेकर के ये और कई घटना को लेकर पहले पुलवामा गोधरा ये सब चीज़ों पर फायदा किसको मिला, सबसे बीजेपी को मिला। कल के दिन कोई इस तरह की फिर सुनियोजित साजिश हो, नोटबंदी आप ही किए, 2000 आप ही लाए, आप ही ख़त्म कर दिए, तो आप कोई भी एक चीज़ों पर आप रुके नहीं और अचीव भी नहीं किया और जनता के लिए इकोनॉमिकल बात भी नहीं की। किसान सारे 900-1100 लोग मर गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में आप फेल कर गए, जंतर मंतर में निर्भया के लिए जब सिंगापुर से आ रही थी तो सोनिया जी मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पर थी और पूरा देश रो रहा था, और आज बेटी 3 महीना से, देश भी तो संकट का में चला गया है, देश के लोग भी तो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो लड़ना नहीं चाहते, तो इसी कमजोरी का फायदा मोदी जी उठाते हैं हमेशा। इतने अंधभक्त ही आज भी ही, इतनी बड़ी रेल हादसे के बाद वहाँ पर आप कुछ लोग तो थे ना कि मोदी मोदी कर रहे थे, तो आज इतने घटना के बावजूद जेब से रुपया चली गई, महंगाई दुनिया की सबसे ज़्यादा बढ़ गई, वो जीने के लायक नहीं है, महिलाओं पर बोझ पड़ गई, किसान की स्थिति बहुत बदतर हो गई, बेरोजगारी जो जिस बात को था वो ख़त्म हो गई, तो हम बेरोजगारी महंगाई पर बात ही नहीं करते हैं, किसानों पर हम बात नहीं करते हैं, काश्तकार बुनकर पर बात नहीं करते हैं, मजदूरों की बात नहीं करते हैं, एक प्रधानमंत्री देश के पीस की बात करता है, दुनिया दूसरों की बात करता है, ये प्रधानमंत्री खुद की ही बात करता है, हम हमेशा दया और कृपा पर जीना चाहता है, तो ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। तो इसीलिए एक अच्छा प्रयास है और सभी लोगों को, और ख़ास तौर पर देखिए कांग्रेस को आप नज़रअंदाज करके नहीं चलेंगे, लेकिन जिस जो हालात है उसमें कांग्रेस को भी जमीन पर, राहुल गांधी ने तो शायद मना कर दिया है आने से। राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस का तो प्रतिनिधित्व आएगा ना भाई, इसमें कौन आ रहा है इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। पप्पू जी जा रहे हैं, उनको न्योता मिला। पप्पू यादव जी को न्योता, हम तो छोटी, हमारी औकात तो कुछ है नहीं, हैसियत कुछ नहीं है, हर चीज़ हैसियत के बराबर में लोग करते हैं, और बिहार में ही हो रहा है। अब मैं लगातार महागठबंधन के साथ और उसके पक्ष में हूँ, विचारधारा मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमको बुलाए नहीं बुलाए, देखिए उगते सूरज को सब प्रणाम करता है, डूबते को नहीं करता है। अच्छा, जिसकी ताकत होती है संख्या बल, उसकी पहचान उसको उसको लोग तवज्जो देख रहे हैं, संख्या बल जिसकी नहीं है उसको तवज्जो नहीं देते हैं। दूसरा, जाति में जिसकी, अब हमारी दुर्भाग्य सौभाग्य से मेरी जाति में यादव टाइटल है, उसके पहले लालू यादव जी नेतृत्व कर रहे हैं, तो बहुत नेचुरल है लंबे समय तक नेतृत्व किए, और लालू यादव जी कर्पूरी जी के बाद एक स्वाभाविक लीडर, उससे कॉमन मैन के साथ अटैचमेंट, आम आदमी के साथ, ओबीसी से लेकर के अपर कास्ट सभी लोगों का, जिस तरह उन्होंने एक कॉन्टैक्ट के साथ आम आदमी के डेमोक्रेसी को बहुत आम आदमी तक पहुंचाने का जो उनका प्रयास था, तो बहुत नेचुरल है कि आज जब तक हैं तब तक थोड़ी दिक्कतें तो होगी। मेरी कोई जाति भी नहीं है, मेरी तो एक आइडियोलॉजी पर मैं काम करता हूँ, विचारधारा पर, कोरोना हो, बाढ़ हो, आम आदमी की घटना हो, चीज़ें हो, मेरी, मैं कभी कोई जाति धर्म मजहब की तो बात करता नहीं हूँ, या मुझे कोई हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड तो मुझे करना नहीं है, जो सही होता है उसको मैं सही तरीके से रखता हूँ। तो इसलिए पप्पू यादव को आज बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, ये तो नीतीश कुमार जी और महागठबंधन देखें। मेरा बिल्कुल सपना है कि इस देश में 2024 के बाद एक अच्छे प्रयास के साथ एक अच्छी सरकार हो, अच्छा नेतृत्व हो, जहाँ नफरत नहीं हो, जहाँ डर नहीं हो, जहाँ अभाव नहीं हो, जहाँ आम आदमी फ्रीडम के साथ जी सके, जहाँ जाति का उन्माद नहीं हो, जहाँ हिंदू मुसलमान को लेकर के कोई
शंकाएं नहीं हो, जहां हर 5 महीना 6 महीना 2 साल पर 2000 नोटबंदी, कभी कुछ लोग डटे रहते हैं कि अब ये क्या कर देगा। अच्छा, ये पढ़ाई लिखाई के लोगों के साथ ही रहते नहीं हैं, हर काम में इनकी SBI से लेकर LIC सब कुछ बिक गया है, हर काम में अदानी अंबानी होते हैं और बाहर होते हैं, तो इसलिए कॉमन आदमी के लिए बहुत इनकी है नया डेमोक्रेसी में संविधान खत्म कर दे और जो आम आदमी की आवाज़ है उसको आप चैलेंज रोक दीजिए, ये बहुत बड़ी स्वयं भू भगवान ही बनना भी चाहते हैं। सर आखिरी सवाल, हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव जी के आवास पर जाकर आप मिले थे, क्या कुछ चर्चा है? नहीं है, कोई नहीं है, वो गार्जियन की तरफ का सानिध्य आशीर्वाद बचपन से रहा है, वैचारिक कोई मनभेद तो है नहीं, मतभेद विचारों का कभी कभी, जबकि एक ही लक्ष्य है, एक ही सब कुछ है, वो हम लोग के बीच रहे और उनका सानिध्य से आशीर्वाद मिलता रहे, मेरे लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। अब वो जानते हैं बिहार के हर गांव को, हर शहर को, उनको पता है कि कहां पर BJP को रोकना है, किस परिस्थिति में रोकना है, किस तरह के राजनीतिक गठबंधन करके हम कहां पर किस को बैलेंस कर सकते हैं, और लोगों के भीतर हो सकता है कई सारी प्रॉब्लम्स हो, कि कई सारी बातें हो, लेकिन लालू यादव जी को एक परिपक्व और बड़ा जो सोच है उसमें मुझे लगता है कि यह चुनाव लालू यादव जी के सोच और विचारों के साथ यदि आगे बढ़ा और बेस्ट समन्वय के साथ नीतीश और लालू जी इस चीज़ को पहल करेंगे तो बेहतर होगा, और मुझे लगता है कि अच्छा कैंडिडेट, अच्छा विचार और एकता मजबूती के साथ हो, विपक्ष में बिखराव नहीं हो, विपक्ष दिल से एक होकर के पहले 2024 को बचाने का प्रयास किए, क्योंकि 2024 के बाद विपक्ष को भी वोट देने के लायक नहीं रखेंगे, आना स्टेट के CM को भी लायक नहीं रखेंगे, तो इसको सबको समझना होगा, अन्यथा आज जो जिस बात का ईगो में हम लोग जी रहे हैं, कल तो ईगो के लायक भी नहीं रहने देगा, ड्राइवरी और खलासी के लायक भी नहीं रहने देगा, इसलिए हम सबको एक प्रयास शुरुआत भी है, अंतिम प्रयास कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन अच्छी पहल है, अच्छा प्रयास है नीतीश कुमार जी का, पहले इकट्ठे तो हो, बातचीत तो हो, एक जगह बैठे तो संवाद तो हो, ट्रांसपेरेंसी तो आए, तो संवाद, संवेदना, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, ये बड़ा जरूरी है, एक विश्वास के साथ एक जगह बैठे, एक जो हमारा जो ट्रांसपेरेंसी है जो जो नहीं आज दिख रही है, वो एक हम लोग एक ट्रांसपेरेंट के साथ आगे बढ़े, और कम्युनिकेशंस का भी अभाव है, तो नीतीश कुमार जी कम्युनिकेशंस, ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट, ये तीनों को लेकर के एक प्रयास तो किए हैं कि हम लोग एक शुरुआत हो और फिर आगे इसका व्यापक रूप लेगा, इसमें क्या अभी चिंता का करते हैं, सब कुछ होगा, बेहतर होगा, बिहार शुरुआत किया है, देश चेंज करेगा, सभी लोग मिल के करेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव, इन्होंने साफ तौर से विपक्षी महासम्मेलन को लेकर अन्य सभी मुद्दों पर अपनी बेकाक राय रखी है। सहयोगी प्रकाश के साथ दर्श न्यूज के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी।